हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन सेज, हाउ डज ही नारेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल? तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से. अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज ही नारेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर. जो हमारा ईश्वरन है वो टस्कर की कहानी को कैसे नारेट करते हैं? डज इट अपीयर टू बी पॉसिबल? क्या ये विश्वास करने के लायक है, यानी बिलीवेबल लगती है आपको ये स्टोरी? तो चलिए पढ़ते हैं. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से ईश्वरन टस्कर की कहानी को सुनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो चलिए, द आंसर वुड बी ही नैरेटेड एन एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. ही स्टार्टेड द स्टोरी विद अ प्रोलॉग. यानी कि किसी भी कहानी को सुनाने से पहले वो एक बोलते ना भूमिका बांध देना, यानी कि प्रोलॉग बनाते थे. उस प्रोलॉग में वो क्या बताते हैं? ही स्टार्टेड द स्टोरी विद अ प्रोलॉग दैट देयर वॉज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट इन विच लॉग्स वर पॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स. की ये हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये एक ऐसी जगह है जो कि रिचली वुडेड है, फॉरेस्ट की बात है, जहाँ पे लॉग्स को लॉरीज यानी कि कारों में या फिर जो हमारे ट्रक्स होते हैं उसमें डाला जाता था एलिफेंट्स की हेल्प से. ही डिस्क्राइब्ड एलिफेंट्स एज ह्यूज वेल फेड बीस्ट. यानी कि उन्होंने एलिफेंट्स को दिखाया है कि बहुत ही बड़े ह्यूज होते हैं एलिफेंट्स और बहुत ही खाते हैं और इसलिए उनका शरीर, हमें पता ही है जो एलिफेंट है वो कितने बड़े होते हैं, लार्जेस्ट हम उनको बोल सकते हैं, द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, राइट. तो एलिफेंट्स को उन्होंने ह्यूज वेल फेड बीस्ट बोला गया है, ठीक है, कि वहाँ के जो एलिफेंट है जो कि लॉक्स को उठाते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about. अब देखिए यहाँ से इंसिडेंट शुरू करते हैं वो, कि एक दिन क्या होता है कि एक टस्कर यानी जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, वो एस्केप कर जाता है, भाग जाता है टिम्बर यार्ड में से और इधर उधर घूमने लग जाता है. इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट. और यानी कि अब वो मेन रोड पर आ जाता है और सारी ही चीजों को बर्बाद कर देता है, यानी कि स्टॉल्स जो कि फ्रूट्स सेल कर रहे थे उनको क्रश कर देता है, स्मैश कर देता है. वाइल डिस्क्राइबिंग, अब देखिए यहाँ पर ईश्वरन की प्रॉपर्टी है, यानी कि ईश्वरन की कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरीके से स्टोरी नैरेट करते हैं. वाइल डिस्क्राइबिंग अ मैड एलिफेंट ही वुड सो कॉट अप इन द स्टोरी, यानी कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टोरी बताते बताते, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट स्टैम्प्ड हिज फीट इन द एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. यानी कि मैड एलिफेंट को अगर उन्हें कॉपी करके दिखाना है तो वो क्या करते थे, फ्लोर पे से उठ जाते थे, ठीक है, और खुद ही अपने पैरों को स्टैम्प करने लगते थे, ठीक है, ताकि वो मैड एलिफेंट की कॉपी कर सके और जो उनके लिसनर्स हैं वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है. तो यानी देन ही वुड कॉन्टिन्यू दैट नाउ द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल यार्ड. यानी कि अब आगे बढ़ती है स्टोरी और वो क्या बताते हैं कि जो एलिफेंट है वो स्कूल यार्ड में यानी स्कूल ग्राउंड में एंटर कर जाता है. वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड क्या करता है, एक ब्रिक वॉल को तोड़ देता है. ऑल बॉयज रन इनटू द क्लासरूम. और वैसे ही क्या होता है, सारे बच्चे क्लासरूम्स में भाग जाते हैं. एंड शट द डोर टाइट. The beast grunted and pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water. यानी कि बहुत सारा destruction उन्होंने add किया है अपनी story में, ठीक है. क्या बताया है कि जो beast है यानी जो elephant है, mad elephant जो है वो grunt करता है, pull out कर देता है football goal post को, ठीक है, उसको पुल आउट कर देता है, निकाल देता है जमीन में से. टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को बिल्कुल टेयर कर देता है यानी कि फाड़ देता है. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर. यानी कि एक ड्रम में वहां पे पानी रखा होता है, उस ड्रम को पिचका देता है यानी फ्लैट कर देता है. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और सारे श्रब्स को वो अपरूट कर देता है, ठीक है. ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर सो अफ्रेड दैट दे क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. हो गया कि सब टीचर्स जो स्कूल में थे, बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो छत पे चढ़ जाते हैं. ईश्वरन टोल्ड दैट ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. ईश्वरन ये भी बताते हैं कि मैं तो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस वक्त. ही ग्रैब्ड अ केन, लेकिन क्या करते हैं वो, एक डंडा ले लेते हैं अपने टीचर से, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउनस्टेयर्स. देखिए यहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने ही डंडा लिया अपने टीचर से और मैं नीचे भागा. द एलिफेंट वॉज स्टिल ग्रंटिंग एंड हेल्ड अ ब्रांच ऑफ अ ट्री इन इट्स ट्रंक. की जो अभी एलिफेंट था वो अभी भी इतना एजिटेटेड था, वो ग्रंट कर रहा था, ठीक है, और उसने
एक बहुत बड़ी ब्रांच ट्री की अपने ट्रंक में ली हुई थी। ही लुक्ड वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटनिंग यानी कि जो साइट थी, क्योंकि वो ये बता रहे हैं, ईश्वरन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नीचे गए थे, तो यानी उन्होंने एक फ्राइटनिंग साइट को फेस किया। ठीक है, जो आपका एलिफेंट था वो बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहा था, बट ईश्वरन मूव स्लोली टूवर्ड्स टूवर्ड्स इट विद अ स्टिक इन हिज हैंड। ही मस्टर्ड ऑल हिज फोर्स, कि वो अपनी पूरी करेज, पूरी फोर्स को मस्टर करते हैं, एंड वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल, और उसको केन से उनके थर्ड नो पे वैक कर देते हैं ऑन द क्विक, बहुत ही जल्दी करते हैं ये। और जैसे ही उनके टो नेल पर वो जो केन है वो लगता है, द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। और देखिए स्टोरी कैसे एंड करते हैं कि उन्होंने वो वैक किया यानी वो केन मारा उनके टो नेल पर, और उसके दर्द के कारण जो बीस्ट है वो शिवर करने लग जाता है हेड से फुट तक, और कोलैप्स्ड हो जाता है यानी कि जमीन पे गिर जाता है। द स्टोरी, अब हमसे ये भी पूछा गया था कि क्या ये स्टोरी आपको प्लॉसिबल लगती है, तो नहीं, ये स्टोरी हमें प्लॉसिबल नहीं लगती है, बिलीवेबल बिल्कुल नहीं लगती है। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं? द स्टोरी डज नॉट अपियर टू बी प्लॉसिबल बिकॉज बींग अ जूनियर क्लास स्टूडेंट, ईश्वरन कुड नॉट हैव परफॉर्म सच अ डेयरिंग एंड हीरोइक टास्क। कि इतना ज्यादा, ईश्वरन तो छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, तो वो इतना ज्यादा करेज नहीं हो सकती उनमें, ठीक है, और इतना ज्यादा डेयरिंग भी नहीं हो सकते कि उन्होंने एक हीरो की तरह अपने आप को पिक्चराइज करने की कोशिश की है इस इंसिडेंट्स में, तो जो कि प्लॉसिबल नहीं है, बिलीवेबल नहीं है। मोर ओवर द एलिफेंट ऑल्सो कुड नॉट कोलैप्स फ्रॉम सच अ वैक ऑन इट्स नो टेल, टो टेल, ठीक है, टो नेल, सॉरी, ठीक है, यानी कि जो हमारे एलिफेंट हैं जिनको मैड एलिफेंट दिखाया गया है उन्होंने, तो वो भी सिर्फ टो नेल पर लगने से इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पूरा आंसर, जिसमें हमने पूरे टस्कर की जो स्टोरी है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और वो स्टोरी आपको प्लॉसिबल लगती है या नहीं लगती है वो आपको बताना होगा। सो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।